Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. हेलो दोस्तों गुड मॉर्निंग नमस्ते आदाब सत श्री अकाल एंड वेलकम टू testbook.com आई होप सो सभी को मेरी ऑडियो वीडियो अच्छे से आ रही होगी और आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं अपने उन सवालों की जो हमारे एग्जाम में चमकने वाले हैं मतलब अगर आप एसएससी का एग्जाम देने जा रहे हो डीएसएसबी का एग्जाम देने जा रहे हो रेलवे की तैयारी कर रहे हो और आप लोगों को ये नहीं पता है कि छह महीने में क्या हुआ तो वो सारे के सारे क्वेश्चन यहां पर मैं आपको इस दो घंटे में कराने वाला हूं लेकिन इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं चाहूंगा यहां पे सौ लोगों का साथ होना चाहिए सौ लोगों के साथ के साथ मैं इस क्लास को स्टार्ट करना चाहूंगा क्योंकि तुम्हारे लिए जैसा मैं मोटिवेशन का काम करते हैं हम वैसे ही हमारे लिए तुम मोटिवेशन का काम करते हो हम लोग एक दूसरे के क्या है हम लोग एक दूसरे के सहभागी है तो सहभागी बनिए क्लास को और पूरी क्लास को देखना है मम्मी पापा चाचा चाची सबसे बोल दो कि आज जो है हम ये पूरी की पूरी क्लास देखने वाले हैं जल्दी से वीडियो का लिंक शेयर कर दो जब तक मैं यहां पर क्या कर लेता हूं यहां पर अपने आप को स्लाइड्स को यहाँ पर सेट कर लेता हूं पूरी की पूरी चलिए तो सभी को ऑडियो वीडियो बढ़िया से आ रही है गाइस सौ लोगों का साथ के साथ ये क्लास स्टार्ट करने वाले सौ लोगों की साथ के साथ ये क्लास स्टार्ट करेंगे जल्दी से सौ लोग हो जाओ भाई चलिए तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपसे क्या पूछने वाला है जल्दी से फटाफट देखते हैं पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह है आपको बताना मई 2021 में संयुक्त राष्ट्र संघ के हमारे नए मानवीय सचिव कौन बने हैं बिकम द न्यू चीफ ऑफ द यूएन एन ह्यूमिटेरियन कमेटी दैट वॉज द स्टीव मार्टिन ग्रिथिन जेम्स जस्टिस या ब्रूस रूनर्स क्या होना चाहिए जवाब जनता का जवाब आने लगा सर होना चाहिए मार्टिन ग्रिथिस की तरफ जनता जा रही है दो नंबर के ऊपर टिक करिए यूएन के जो नए चीफ बने उनका नाम क्या है मार्टिन ग्रिथिस जितने लोग बोल रहे हैं उनको यहां पर अंक मिल जाएगा याद कर लो यही पर मार्टिन ग्रिथिस यहां पर जवाब होना चाहिए यूएन जो है ये पर कब बना था चौबीस अक्टूबर उन्नीस को यूएन डे कब मनाया जाता है ना 24 अक्टूबर को मनाया जाता है याद रखिएगा इसका हेडक्वार्टर कहां पे इसका हेडक्वार्टर आपको अमेरिका के न्यूयॉर्क में देखने को मिलेगा यहां पर ये सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा आपको बताना है एट्टी टू राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप महिला खिताब किसने जीता है किसने जीता है राष्ट्रीय महिला खिताब एकल एक मोनिका बत्रा रेथ रसिया स्मृति मंधाना या सोमजीत घोष जल्दी से जवाब आना चाहिए फटाफट से देखते हैं कितने लोगों को यहाँ पर इसका जवाब एकदम एक्चुअली पता है एग्जाम में यही प्रश्न आने वाले हैं जनता ने बोला टीटी -टी में अगर हम लोग देखेंगे टेबल टेनिस में जो अपने कोच को भी नहीं लेकर के गए हैं यहाँ पर सही जवाब होना चाहिए रेथ रसिया रेथ रसिया जितने लोग यहाँ पर बोलेंगे उनको यहाँ पर अंक मिल जाएगा टेबल टेनिस का ये इन्होंने टूर्नामेंट जीता हुआ गाइस करेंट अफेयर से प्रश्न आने वाला है जितने भी लोग हैं जरा अपने अपने ग्रुप में जाकर के शेयर कर दो तहलका मचा दो इस क्लास के बारे में बता दो क्योंकि एग्जाम में यहां से प्रश्न पूछा जाने वाला है हम नहीं चाहते कि एक भी प्रश्न सौ क्वेश्चनों की क्लास है एक भी क्वेश्चन किसी का छूटे स्पोर्ट्स हो करंट अफेयर्स का स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो नए अपॉइंटमेंट हो बुक एंड ऑर्थर हो सब कुछ यहां पर मैं आपको कराने वाला हूं जो एग्जाम में मिलने वाला है ठीक है ठीक है ना गैस चलिए तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपसे क्या पूछने वाला है अगला क्वेश्चन यहां पर आपको बताना है किस राज्य में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 की मेजबानी की थी इनमें से कौन सा हमारा राज्य है जहां पर खेलो इंडिया 2021 के गेम्स हुए थे महाराष्ट्र गोवा कर्नाटक या चेन्नई जल्दी से फटाफट जवाब दो देखे कितने लोग इसका जवाब जानते हैं जनता का जवाब यहां पर आना शुरू हो गया बिल्कुल नहीं अनिता एकदम बढ़िया चल रहा है तो जनता बोले सर यहां पर जहां पर हमने देखा कि अभी हाँ जहाँ पे हमारे नए सीएम साहब बने हैं वहाँ पर हमारी खेलो इंडिया जो है वो गेम्स हुए थे नए सीएम कहां कहाँ पर बने हैं जल्दी से बताइए नए सीएम कहां कहाँ पर बने हैं फटाफट से बताइए तो यहाँ पर जनता बोले सर कर्नाटक के ऊपर टिक कर दे क्या कल ही वहाँ पर नए सीएम की घोषणा हुई है तो यहाँ पर जितने लोग बोल रहे हैं कर्नाटक के नए सीएम जो है वो येदुरप्पा को हटा करके <clears throat> ठीक है यद्यूरपा के बता करके हमारे बी बॉम्बे जो नए सीएम बने हैं वो आपको कर्नाटक में देखने को मिलेंगे तो बी बॉम्बई जो है यहां पर आपको याद रखना है ये हमारे नए सीएम बने हैं और हमारे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो हुए ये कर्नाटक में हुए आगे तक चलते आपको बताना है श्रीमंत शंकर देव पर निबंध इस पुस्तक के लेखक कौन है गाइस बुक एंड ऑर्थर बुक एंड ऑर्थर यहां पर पूछ रहा है ऐसे किसके ऊपर ऑन द श्रीमंत शंकर देव किसने लिखा हुआ है That was the, अनिद्यादत इवन ऑन संजीव कुमार बरकोटी या हमारे जल्दी से फटाफट गेस करो भैया दो घंटे की क्लास है और दो लोग यहां पर नहीं दिखाई दे रहे हमने सोचा था कि 200 लोग यहां पर दिखाई देंगे तो गाइज अगर हम लोग देखेंगे तो यहां पर सही जवाब क्या होना चाहिए बिल्कुल ठीक है जितने लोग यहां पर जवाब दे रहे हैं सर होना चाहिए संजीव कुमार बरकोटी उनको यहां पर अंक मिल जाएगा इंपॉर्टेंट जो कि जो हमारे इवन ने, जो बेडन जो कि अमेरिका राष्ट्रपति है उनके ऊपर ही किताब लिख डाली जिसका नाम ही है जो बेडन जो बेडन किताब किसने लगी एग्जाम में पूछा जाएगा तो इवन एस् ने यह किताब को लिखा हुआ है याद रखना अब अंधिता दत्त की अगर हम लोग बात करें तो इन्होंने जिस किताब का नाम लिखा उसका नाम है ने लिखी हुई है स्टोरी ऑफ इंडियन इंडियन टेबल टेनिस इंडियन टेबल टेनिस की जो कहानी है वो अंधिता दत्त ने लिखी है जिसका नाम है एडवांटेज इंडिया इनमें से प्रश्न मिलने वाला है मैं पहले ही बता रहा हूं सारा का सारा आगे की तरफ चलते हैं आगे हमारे पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन फिलिंग द द ब्लैंक्स बिकम यंगेस्ट मेंबर ऑफ ऑफ आईसीसी क्रिकेट काउंसिल पैनल इनमें से कौन है जो आईसीसी एम्पायर पैनल के एलिट पैनल के हमारे सबसे युवा सदस्य बने हैं नितिन मेहनल सुधीर अंसारी सुब्रता बनर्जी या नीला दत्ता सारे के सारे एकदम हैंड पिक क्वेश्चन है जो तुम्हारे एग्जाम में तुमको परेशान करने वाले थे लेकिन पहले ही हम तुमको यहां पे करा दे रहे हैं तो यहां पर जनता बोले सर यहां पर सही जवाब होना चाहिए जल्दी से बताओ भाई तो यहां पर जनता बोले सर नितिन मेनन की तरफ जाएंगे तो हमको अंक मिल जाएगा ये सबसे युवा एम्पायर है जो इलीड पैनल ऑफ एम्पायर के क्या बने सदस्य बने तो एक नंबर जितने लोग बोल रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है आगे की तरफ चलते हैं द अंडरग्राउंड रेल रोड किताब किसने लिखी है किताब का नाम जरा सा देख लो अंडरग्राउंड रेल रोड जिनको दो में प्राइज भी मिला था जल्दी से बताओ क्या होना चाहिए फटाफट जवाब आना चाहिए यही प्रश्न एग्जाम में चमकने वाले हैं डायलन थॉमस एम जॉनसन कॉलसन व्हाइट हेड या हमारे मैगी ओ फरेल क्या होना चाहिए जल्दी से जवाब आना चाहिए भाई किसी का जवाब रुकना नहीं चाहिए चलिए तो यहां पर जनता बोले सर सही जवाब होना चाहिए जितने लोग बोल रहे हैं कि सर ऑप्शन नंबर विल दैट वाज अ जितने लोग बोल रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है उन्होंने द अंडरग्राउंड रेल रोड नाम की किताब लिखी है याद रखिएगा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार दो में सबसे अधिक प्रेषण कहां पर हुआ प्रेषण का मतलब होता है रेमिटेंस का मतलब होता है विदेश में पैसा भेजना विदेश में पैसा भेजना को हम लोग रेमिटेंस बोलते हैं सबसे ज्यादा रेमिटेंस किसने किया है इंडिया चाइना फिलीपींस इजिप्ट जल्दी से जवाब दो भाई फटाफट से जवाब आना चाहिए देखते कितने लोग यहां पर जवाब देंगे तो यहां पर जनता बोले सर सही जवाब होना चाहिए बिल्कुल भारत ही नंबर एक पर है सबसे ज्यादा विदेश में पैसे भारत ने भेजे हैं इंडिया इज ऑन टॉप और दूसरे पे है अमेरिका अमेरिका जो कि भारत के बहुत सारे लोग जो है वो विदेश में फंसे हुए थे इसलिए पूछेगा तो क्या जवाब दोगे प्रदीप वसंत नायक है राकेश कुमार भदौरिया अरूप रहा है या वीरेंद्र सिंह धनोहा है जल्दी से जवाब दीजिए गाइस इस क्वेश्चन के साथ हमको 170 का यहां पर विद्यार्थी चाहिए 170 बच्चे होने चाहिए तो यहां पर जनता बोलेगी सर एयर चीफ मार्शल आपने अभी बताया था कुछ दिन पहले कि राकेश कुमार हमारे भदौरिया साहब है हमारे नेवी चीफ करमवीर सिंह है कौन है करमवीर सिंह है और आपको देखना है एन एन नरावने जो है हमारे कौन है वो हमारे आर्मी चीफ है आगे तब चलते हैं आई ए एफ कंटिनेंटल कप के पदक में जीतने वाला पहला खिलाड़ी कौन था आई ए एफ कॉन्टिनेंटल कप जीतने वाला पहला खिलाड़ी कौन था राकेश बाबू दैट वॉज द रंजीत महेश्वरी संदीप कुमार या दैट वॉज द अरणदीप कुमार जल्दी से जल्दा फटाफट जवाब देगी गाय हम लोगों ने एक सौ बहत्तर में तो पहुंच गए 172 पे पहुंच गया Guys, हम लोगों को यहाँ पर सही जवाब जल्दी से बताना है तो यहाँ पर जनता बोले है, सर दो पर 2018 में इन्होंने ये पदक जीत करके जकर्ता एशियन में इतिहास रचा था तो यहाँ पर जनता बोलेगी दैट वाज द अरविंदर सिंह जितने लोग अरविंदर सिंह बोल रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है ये क्या करते थे ये लॉन्ग जंप ट्रिपल जंपर थे ट्रिपल जंपर थे याद रखिएगा एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है What इज द India's ओवरऑल रैंक इन द ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटेटिव इंडेक्स यहां पर प्रश्न पूछा गया है कि हमारे हिंदुस्तान का टैलेंट इंडेक्स में कौन सा स्थान है 2020 में? बीस में इक्यावन है पैंसठ है, है बात्तर. Guys, यही लेबल है यही लेबल है यही प्रश्न पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में जल्दी से जनता जवाब देगी क्वेश्चन क्या है कि हमारे ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटेटिव इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है फटाफट जवाब देंगे जल्दी से तो जनता बोले सर हमारी जो रैंक है वो पहुंच गई है कहां पर तो यहां पर जनता बोलेगी सर हमारी रैंक होनी चाहिए भैया इनमें से बहत्तर रैंक आपको याद रखना है बहत्तरवी रैंक है और टॉप पे कौन सा है टॉप पर है स्विट्जरलैंड स्विट्जरलैंड जो है वो टॉप पे है और हमारा इंडिया बहत्तर नंबर पे है दोनों चीजें याद रखनी है दोनों एग्जाम में पूछेगा आगे तब चलते हैं मई 2021 में बेलारूस की आर्या शबलंका को हरा करके किसने महिला एकल खिताब जीता है किसको हरा करके आर्या शबलिंका को तो बेलारूस में किसने अपना किताब जीता नुमानी ओसा का दैट वॉज द सरेना विलियम सिमोना हालेप या हमारा एसले बर्टी जल्दी बताइए क्या होना चाहिए फटाफट जवाब आना चाहिए तो जनता का जवाब आना शुरू हो गया कि सर यहां पर जो सही जवाब होना चाहिए जिन्होंने अंक तो मिलेगा एसले इज राइट आंसर जल्दी से फटाफट से देखेंगे यहां पर सही जवाब है ठीक है अगर गाइज हमसे बाकी का कोई टूर्नामेंट पूछ लिया गया ऑस्ट्रेलियन ओपन ठीक है फ्रेंच ओपन ठीक है चाहे हमसे विमर्डन पूछ लिया गया पुरुषों का तो सब में आपको टिक कर देना है नोवाक नोवाक जोकोविच नुवाक जोकोविच के ऊपर टिक कर देना सर्बिया का खिलाड़ी है सब यही जीता है इजी बना दिया इसने करंट अफेयर्स को राजकमल झा ने निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार दिया गया रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार हमारे कमल राजकमल झा को किस किताब के लिए दिया गया है ब्लू ब्लड स्प्रिड सीविल बिल्ड हिम आ सिटी इफ यू आर ऑफ हाइट या सिटी एंड सी कौन सी किताब के लिए इनको कौन सा तो राजकमल को पुरस्कार दिया गया राज रविंद्राथ टैगोर पुरस्कार किस किताब के लिए <coughs> तो यहां पर आप लोग देखो गलत बताओगे को कोई दिक्कत नहीं है गलत बताने से यह होता है कि आपको याद रहेगा कि हमने ये गलत किया था और एग्जाम में यह हमें सर ने सही बताया तो यहां पर सही बताया सिटी एंड दी

बहुत आसान है उन्नीस हमारा देश जब आजाद हुआ था वही हमारी शूटिंग तो वर्ल्ड कप किसने जीता इंपॉर्टेंट तो पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप कहां पे हुआ पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप जो है ये कहां पर हुआ है तो आपको बताना यूएई में इसमें स्वर्ण पदक किसने जीता है शूटिंग का जितने भी हमारे दिव्यांग लोग हैं उन सभी को बुलाया गया उनका वर्ल्ड कप कराया गया यूएई यूएई में UAE की कैपिटल सभी को पता है क्या है धाबी है और आपको याद रखना है यहीं पर हुआ है ये वर्ल्ड कप जितने भी दिव्यांग लोग हैं और उसका हमारा किसने जीता है तो जनता ने यहाँ पर जवाब दिया दैट वॉज द सिंघ जितने लोग यहाँ पे सिंह बोलेंगे उनको यहाँ पर अंक मिल जाएगा गलत बोल लो याद कर लो गलत बोल लो याद कर लो गाइज इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी कहा पर इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम लिंक पर ठीक है आप उसको ज्वाइन कर लीजिए ठीक है यहां पर टेलीग्राम लिंक है आपका <coughs> तुरंत सात बजे इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी तो ये लिंक को आपको ज्वाइन करना है सात बजे आपको पीडीएफ यहां पर मिल जाएगी हम अपलोड कर देंगे ठीक है आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अप्रैल 2021 में पीएम मोदी ने उड़ीसा इतिहास पुस्तक का अनुवाद जारी किया पुस्तक के लेखक कौन है हु इज द ऑर्थर ऑफ उड़ीसा इतिहास आपके सामने प्रश्न है डॉक्टर हरिकुल साहब महतब चित्रा मुगदल दिव्य प्रकाश दुबे या हरिकेश सुलभ जल्दी से जनता जवाब देगी इस क्वेश्चन के बाद हम लोग दो विद्यार्थियों की संख्या दो होनी चाहिए भाई दो होनी चाहिए आपको बस टिके रहना है आपको टिके रहना तभी होगी <coughs> लोग गय टेलीग्राम ज्वाइन करने लोग गय टेलीग्राम ज्वाइन करने तो यहां पर जनता बोले सर होना चाहिए हरिकुशे मेहताब जितने लोग बोल रहे हैं महताब उनका जवाब बिल्कुल सही है यहां पर उड़ीसा एक इतिहास का इन्होंने हिंदी रूपांतरण किया है आगे तरफ चलते हैं Inclusive Internet Index was published by the Economist Intelligence Unit in the collaboration with हमारे यहाँ पर क्या है समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 किसके सहयोग से हमारा लॉन्च किया गया किसके सहयोग से गूगल है फेसबुक है YouTube है या ट्विटर है जल्दी से जनता जवाब देगी देखे कितने लोगों को यह जवाब बिल्कुल पता है और कितने लोग जो है यहाँ पर टुक्का लगाने की कोशिश करेंगे चलिए तो यहां पर जनता ने बताया कि सर यह हमारा जो आ, आ, है ये गूगल कई लोग बोल रहे हैं गूगल नहीं होना चाहिए बेटा गूगल नहीं होना चाहिए चलिए तो भैया गूगल नहीं होना चाहिए फेसबुक होना चाहिए मार्क जुबर जुगरबर्ग की कंपनी है फेसबुक इसके साथ इन्होंने टाई अप किया है इंडिया का रैंक देख लो बेटा इंटरनेट इस्तेमाल में उनचासवें नंबर पे है बेटा हम लोग इचासवें नंबर पे इंडिया है और पहले नंबर पे बेटा याद रखना है कौन सा है पहले नंबर पे स्वीडन है ये, ये बाइस है। है नंबर पे गाइस कौन सा है तो पहले नंबर पे स्वीडन है ये भी हमको याद रखना है स्वीडन स्वीडन हमारा पहले नंबर पे है पहला पूछा जा सकता है इंडिया का पोजीशन किसके साथ किया है पूछा जाएगा

मनोज आहूजा की तरफ हमको टिक करना है मनोज आहूजा इज राइट आंसर चलिए आगे तब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2020 में पद्मश्री से सम्मानित गोलोरिया आर्या किससे संबंधित है 2020 में इनको पद्मश्री दिया गया था लेकिन ये कौन से देश से आते हैं अर्जेंटीना स्पेन ब्राजील या यूके जल्दी से जवाब दो भाई मिलन दिख रहा है केवल है इसीलिए मिलन बेटा टॉप पे रहता है क्योंकि वो रेगुलर क्लासेस कर लेता है सारी की सारी आगे यहां पर देखेंगे तो सही जवाब होना चाहिए जो हमारे बिल्कुल जितने लोग यहां पर गोलोरिया आरिया की तरफ जा रहे हैं ये हमारे ब्राजील के रहने वाले हैं और इन्होंने भगवत गीता को आगे बढ़ाने के लिए काम किया था इसलिए इनको क्या मिल गया पद्म श्री मिल गया गाइज यहां पर क्वेश्चन है आई ई यू आई एल यू नहीं रे आई एल यू बोल रहा है देखो ये लड़का आई यू डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है देखते हैं कितने लोगों को, को इसका जवाब मान लो कि क्वेश्चन है आप बैठे हो एग्जामिनेशन हॉल में यहां पर आपको बताना है कि भारत का रैंक क्या है आईईयू डेमोक्रेसी इंडेक्स में <coughs> तो यहां पर जनता बोलेगी सर यह जो इंडेक्स है इसमें भारत का स्थान जो है याद कर लो बेटा याद कर लो हमारा स्थान पहले इक्यानवे नंबर पे था जिन लोग फिफ्टी वन बोल रहे उनका तो पहले इसके पहले वाले साल का बता रहे इस साल जो हमारा रैंक है वो कितना हो गया है दो स्थान और नीचे आ गया है फिफ्टी थ्री नंबर पे आ गया और टॉप पे जो कंट्री है उसका नाम है नॉर्वे नॉर्वे जो है ये टॉप का कंट्री है और हमारा रैंक जो है वो फिफ्टी थर्ड नंबर पे है याद रखिएगा एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा टॉप पे कौन सा है, इंडिया का रैंक कौन सा है आपको बताना है हाल में में ही भारत के के पहले लोकपाल के रूप में किसको नियुक्त किया गया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा यहां पर देखो लिख दिए हैं आपको बताना है हमारे एम वेंकटिया अन्ना हजारे पिंकी चंद्र घोष पिनाकी चंद्र घोष या हमारे वीरप्पा मोली जनता जल्दी से बताओ लोकपाल के पीछे जो है अन्ना हजारे बहुत इन्होंने संघर्ष किया है अन्ना तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं है ना हम लोग भी खूब नारा लगाते थे ऐसा लगता था कि पूरा दुनिया बदल देंगे अन्ना हजारे तो यहाँ पर जो हमारा पहला लोकपाल आया था वो आए थे पिनाकी घोष के रूप में तो जितने भी यहाँ पर पिनाकी घोष बोले है उनका जवाब बिल्कुल सही है दैट वॉज द करेक्ट आंसर पिनाकी घोष अभी आपको यहां पर बताना है मानसिक स्वास्थ्य के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए छब्बीसवा वार्षिक क्रिस्टल किसने किया That was the, दिया मिर्जा प्रियंका चोपड़ा अक्षय कुमार या दीपिका पादुकोण हुए क्रिस्टल अवारस फॉर द इंपोर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ गाइज ये जो है रणबीर सिंह चलते ना रणवीर सिंह की मेहरारू है रणवीर सिंह की मेहरारू का मतलब है वाइफ ऑफ रणवीर सिंह जिनको हम लोग किसके नाम से जानते हैं गाइज इनके पिता जो है वो बहुत बड़े बैडमिंटन प्लेयर थे उनको यहाँ पर एनुअल क्रिस्टल स्प्रेंडिंग स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट द मेंटल हेल्थ इलनेस के लिए दिया गया में जनता बोले सर सभी को पता है इतना हिंट दे बहुत है। इतना हिंट दे दे दिए दिए बहुत बहुत है है इतना अक्षय कुमार को इस बार का नेशनल अवार्ड मिला हुआ है किसके लिए सभी को पता है ठीक है चलिए आगे की तो चलते आपको बताना है वर्तमान में भारत की भारत की तरफ से बांग्लादेश में उच्चायुक्त कौन है राजीव रंजन विक्रम है हमारे अनीता है या अजय बिसारिया है जल्दी बताइए फटाफट से बताइएगा जनता आ, दो घंटे की क्लास है और बड़ी मेहनत लगती है याद रखिएगा बड़ी मेहनत लगती है जनता बोले सर यहां पर जनता बोले सर सही जवाब होना चाहिए विक्रम की तरफ टिक करेंगे हमको यहां पर अंक मिल जाएगा जितने लोग यहां पर विक्रम की तरफ अंक टिक करेंगे उनको यहां पर अंक मिलेगा ठीक है याद रखिएगा अगर हम लोग यहां पर पूछते कि हमारे हाँ बिल्कुल यहां पर जितने लोग विक्रम की तरफ जाएंगे उनका जवाब बिल्कुल सही है अजय बिसारिया पाकिस्तान में थे बेटा पाकिस्तान में थे और इनको कनाडा भेज दिया गया बेटा ये कनाडा गए हैं ये भी इंपॉर्टेंट है ये पहले कहाँ पे थे पाकिस्तान में थे 2019 तक लेकिन 2020 में कहा बेटा आप कनाडा चले जाइए तो अजय बिसारिया भी करंट अफेयर्स के हैं तो ये कनाडा गए हैं और ये हमारे कहाँ गए हैं बांग्लादेश गए हैं याद रखिएगा यहाँ पर प्रश्न आ जाता है तिरानबे अकेडमी पुरस्कार में सबसे ज्यादा पुरस्कार कौन सी फिल्म ने जीते है मोस्ट इंपॉर्टेंट इसी को आस्कर भी बोलते हैं बेटा ऑस्कर अवार्ड भी बोलते हैं बेटा याद रखिएगा और इसमें सबसे ज्यादा कौन सा अवार्ड किस फिल्म ने जीते है? फादर ने सोल ने नो मेडलैंड में मिनारी ने जल्दी जवाब दो बेटा जल्दी फटाफट से और इसके साथ हमको दो का आंकड़ा टच करना है विद्यार्थी लोगों बेटा हमको टिके रहेंगे तभी पहुंचेंगे टिक करके खेलेंगे तभी जो है वो टेस्ट मैच जीतेंगे दो घंटे का टेस्ट मैच है तभी जीतेंगे जब टिके रहेंगे तो जनता बोले सबसे ज्यादा अवार्ड जीते हैं नो मैड लैंड ने किसने जीते हैं नो मैड लैंड ने सबसे ज्यादा अवार्ड जीते हैं याद रखिएगा कितने अवार्ड जीते कई सारे तो बेस्ट फिल्म तो है ही यहाँ पे यहाँ पर बेस्ट फिल्म का अवार्ड तो जीता ही है साथ ही साथ यहाँ पर बेस्ट फिल्म डायरेक्टर का छोले जाओ ने छोले खाओ नहीं रे छोले जाओ ने यह अवार्ड जीता हुआ है सोले जाओ ने ये अवार्ड जीता हुआ है बेस्ट डायरेक्टर का ऐसे बेस्ट हमारी जो एक्ट्रेस है वो भी हमने यहां पर जीता है जिनका नाम है फ्रांसिसी मैकडोरमेंड ठीक है, मैक डॉर्मेंट जो है वो बेस्ट एक्ट्रेस इसी फिल्म में काम की थी डॉरमेंट ये भी याद रखना है तो ये तीन तो अवार्ड तो बड़े बड़े तो जीती है फादर के दो हीरो है जिनका नाम है हॉपकिंस ये बेस्ट एक्टर बने हैं हॉपकिंस जो है ये बेस्ट एक्टर बने हैं पूछा जाएगा बेस्ट एक्टर कौन बने हैं तो हॉपकिंस के ऊपर टिक करिएगा ठीक है अगर सोल को देखेंगे तो एनिमेटेड फिल्म है ये बच्चों वाली फिल्म है, कार्टून फिल्म जो होती है वो कौन सी है एनिमेटेड फिल्म है हमारी सोल और बेस्ट फिल्म कौन सी है नो मेडलैंड एग्जाम में ठोक दोगे हमने सोचा था 270 हम लोग पहुंच जाएंगे कोई बात नहीं करत करत अभ्यास के पहुंचेंगे ही धीरे धीरे वरुण कपूर और मल्लिका बसोड़ किस खेल से संबंधित है वरुण कपूर और मल्लिका बसोड़ जल्दी से बताओ क्या होना चाहिए फटाफट जवाब बेटा वही तो चल रहा है चल क्या रहा है वही चल रहा है बेटा जो तुम पूछ रहे हो और बने रहोगे तभी मजा आएगा <coughs> बैडमिंटन खेलते हैं ठीक है यूथ बैडमिंटन कप में बैडमिंटन वर्ल्ड कप में इन दोनों ने अवार्ड जीता है ये दोनों ने जीता हुआ है कहां पर हुआ था ये युगांडा में हुआ था कहां पे हुआ था गाएज? युगांडा में यूथ बैडमिंटन वर्ल्ड कप हुआ और ये युगांडा की कैपिटल कंपाला में हुआ था ये भी याद रखना है कंपाला में हुआ था जिसमें महिलाओं की तरफ से मल्लिका ने और वड़ु कपूर ने पुरुषों की तरफ से बैडमिंटन जीता जितने लोग यहां पर बोले उनका जवाब बिल्कुल सही आ गया आ गया बेटा यही यही प्रश्न पूछा जाएगा बुक एंड ऑर्थर बाई एक्सीडेंट रिकलेक्शन ऑफ लाइफ ये किताब किसने लिखी है क्वेश्चन तो ध्यान सुनिएगा बाई मैनी हैप्पी एक्सीडेंट रिलेक्शन ऑफ अव लाइफ किसने लिखी है कृष्णकांत दैट वॉज द कोचलेरी रामन नारायण के आर नारायण जिनको हम लोग बोलते हैं राष्ट्रपति है शंकर दयाल शर्मा या हामिद अंसारी सारे के सारे उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति हैं तो भैया हमारी जिंदगी में बहुत सारी घटनाएं हुई इस किताब में उन्होंने बताया हुआ है और वो हमारे देश के कौन थे बेटा वो हमारे देश के उपराष्ट्रपति थे जिनका नाम था हामिद अंसारी दो बार इन्होंने राष्ट्रपति के पद उपराष्ट्रपति के पद पर रहे हैं तो यहां पर हामिद अंसारी सही जवाब है अप्रैल 2019 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे देखिए यहां पर ऐसा प्रश्न पूछेगा हो सकता है कि उनके पास सेट बना के रखा हो तो वो लिख देगा 2019 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे जनता जल्दी से बताएगी भाई दैट वॉज अ रंजन गोगोई आर एफ नरिमन आरवी या हमारे मिश्रा। तो पर जनता बोले सर 2019 तक पूछा है ना ठोक दो यहां पे रंजन गोगोई जितने लोग बोले ये हमारे देश के 45वें मुख्य न्यायाधीश थे जो बाद में असम से राज्यसभा के सदस्य बन गए राज्यसभा के सदस्य बन गए इनके बाद जो है वो हमारे स... ऐसे हाँ, बोबड़े बने और अभी करंट में कौन है एरवी रमन्ना है याद रखिएगा यह भी पूछा जाएगा करंट में वर्तमान में कौन है मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के तो एनवी रमन्ना है एग्जाम में पूछा जाएगा गलत मत करना आगे चलते आपको बताना है 2021 में यूनेस्को कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज किसको मिला गाइज याद रखिएगा 2021 का है कितना इंपॉर्टेंट है एग्जाम में पता चलेगा जो लोग छोड़ के जाएंगे ये वीडियो को उनको पता चलने वाला है 2021 में यूनेस्को हमारा कौन सा गर्मिलो कैनो वर्ल्ड फ्रेस फ्रीडम अवार्ड किसको मिला हुईल को एंडरसन कॉपर को मारिया रेसा को या बॉब वुडवर्ड को क्या होना चाहिए गाइस सही जवाब <coughs> तो सही जवाब है मारिया रेसा जितने लोग यहां पर बोल रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है मारिया रेसा इज अ करेक्ट आंसर आगे तब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहां पर बताना है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि भारत की फिलिंग द ब्लैंक्स विश्व जनसंख्या 2025 के अकॉर्डिंग लापता महिलाओं की संख्या फोर पॉइंट फोर्टी फाइव पॉइंट एट मिलियन है मतलब इतनी महिलाएं कहां लापता हो गई कुछ पता नहीं है किसने ये रिपोर्ट दी है <coughs> तो यहां पे जनता का जवाब आना शुरू हो गया कि सर यहाँ पे सही जवाब होना चाहिए यू एन एफ पी ए गाइज इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड यूनाइटेड नेशन कौन सा फंड पॉपुलेशन फंड तो यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड को हम लोग बोलते हैं क्या यूएनएफपीए यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड इसने की रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश की जो महिलाएं हैं उनके खोने की संख्या जो है पैंतालीस दशमलव आठ मिलियन है वो पता नहीं कहां चली जाती हैं कुछ को जो है यूएई में बेच दिया जाता है कुछ जो है वो कहीं पर बंधुआ मजदूर बना दी जाती हैं ये रिपोर्ट दी थी हमारे किसने यू ने याद रखिएगा दैट वॉज राइट आंसर आगे तब चलते हैं आपको यहां पर बताना है विश्व निवेश रिपोर्ट दो किसने प्रकाशित की थी वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2020 किसने प्रकाशित की वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट वर्ल्ड बैंक है या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है जल्दी जनता बताएगी कौन करता है इस 300 प्लस चाहिए जनता बने रहोगे तो बहुत चीजें सिखाएंगे तो यहां पर जनता बोले सर यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द ट्रेड एंड डेवलपमेंट जितने लोग बोल रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट यहां पर यह रिपोर्ट देती है गैस, अगर यहां पर आता वर्ल्ड आउटलुक जो है यह कौन? <coughs> कौन निकालता है आउटलुक आईएमएफ एम वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन निकालता है ठीक है डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन निकालता है तो याद रखिएगा डेवलपमेंट निकालता है वर्ल्ड बैंक कौन वर्ल्ड बैंक याद रखिएगा वर्ल्ड बैंक निकालता है डेवलपमेंट रिपोर्ट आउटलुक निकालता आई आईएमएफ और यहां पर क्या था यहां पर था हमारा इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट ये निकालता है हमारा वर्ल्ड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द ट्रेड एंड डेवलपमेंट या इस ये बहुत इंपॉर्टेंट है सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है ठीक है आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहां पर बताना है क्या होना चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है जून 2021 में सुमित मलिक को परीक्षण में विफल होने के बाद अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया और वो किसी भी तरीके के इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे सुमित मलिक जो है ये क्या करते हैं रसलर है बैडमिंटन है टेबल टेनिस है हॉकी है क्या करते हैं यहां पे? जल्दी से फटाफट जवाब आना चाहिए तो यहां पर जनता बोले सर डोपिंग में जो ज्यादातर फंसते हैं या तो वो रसलर होते हैं या तो वो वेट लिफ्टर होते हैं दोनों में से कोई ना कोई इसमें फंसता है तो यहां पर हमें जवाब देना है रसलिंग करते हैं ये हमारे तो यहां पर जितने लोग रसलिंग बोल रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है हमारे सुमित मलिक जो है ये रसलर है जिनको प्रतिबंधित दवा लेने की वजह से रोक दिया गया आगे की तरफ चलते यही तो है यही क्वेश्चन है जो एग्जाम में आएगा ए इसकेमिस्टर बर्न एवरी मिनट

यहां पर जनता बोले सर सही जवाब होना चाहिए कि सर हमारा सही जवाब है दैट वॉज सिंगदा पूनम जितने लोग यहाँ पर देंगे जवाब उनको यहाँ पर अंक मिल जाएगा यही हमको याद कर लेना है पूनम ने लिखा हुआ है इंडिया स्केमिस्टर बर्न एवरी मिनट बॉर्न एवरी मिनट हर समय एक स्कैम जन्म लेता है यहां पर एक टेनिस मतलब स्पोर्ट्स है तीस मई का क्वेश्चन है किसने सर्बिया के

नोमान जोकोविच के ऊपर तुक्का खेल जाएंगे बिल्कुल सही जवाब है नोमान जोकोविच आगे की तरफ चलते आपको बताना रिसेंटली डगलस स्टुअर्ट ने मैन बुकर प्राइज जीता है कौन सी किताब के लिए सुगी बैन डिस डिस्कंफर्ट ऑफ इवनिंग बर्न सुगर या हमारा टेस्टामेंट्स? क्या होना चाहिए सही जवाब जल्दी जवाब देना सभी को <coughs>

वही में होना है पूरा किसी को तो पूरा शेड्यूल याद होगा कब हमारा कौन सा मैच होना है अनटोल्ड अनटोल्ड स्टोरी स्टोरी जो है है ये किताब किसने लिखी दैट द लुइस मॉर्गन तमाना अमम जदीद स्मिथ क्या होना चाहिए अनटोल्ड स्टोरी किसने लिखी है कंप्यूटर जी हमारे पानी उनसे हमने उनको बोला था कि भिजवा दीजिएगा मोनिकाली जितने लोग बोल रहे हैं गाइज उनका जवाब बिल्कुल सही है मोनिकाली जितने लोग बोल रहे हैं उनका जवाब एकदम परफेक्ट है आगे की तरफ चलते अनटोल्ड स्टोरी आपको बताना है जुएट्स ने जनवरी 2021 में किसको हरा करके इतालवी सुपर कप जीता है जुएट्स ने किसको हरा करके इतालवी सुपर कप जीता है ए एस रोमना नपोली है दैट वॉज अटलांता बीसी है या आर्सेनेला है गाइज ये फुटबॉल का कप है जुएट्स ने यह फुटबॉल में इतालवी सुपर कप जीता था किसको हरा करके जनता बोल रही है सर यहाँ पे उनका जवाब पता है कि सर सही जवाब क्या होना चाहिए गाय सही जवाब होना चाहिए नपोली गाइज अभी फुटबॉल से जो पूछेगा याद रखिएगा कोपे अमेरिका कप जल्दी से जवाब देते जाओ कोपी अमेरिका कप किसने जीता है यूरो कप किसने जीता है ये जरूर पूछेगा कोपे अमेरिका कप अर्जेंटीना ने यूरो कप पुर्तगल ने दोनों याद कर लो एग्जाम में पूछेगा अर्जेंटीना ने अर्जेंटीना ने जीता हुआ है हमारा अमेरिका कप यूरो कप पुर्तुगल ने जीता हुआ है एग्जाम में प्रश्न पूछेगा गलत नहीं होना चाहिए आगे चलते हैं फरवरी 2021 में सातवीं पुस्तक दैट वाज द फैक्ड मोजेक का अनावरण किसने किया फैक्ड मोजेक का जो हमारा है अनावरण किसने किया दैट वॉज द अर्शदीप सिंह दैट वॉज द कुनाल लाल गुजराल अमिताभ घोष या सबरना रॉय क्या होना चाहिए यहाँ पे सही जवाब फटाफट जवाब दे दो भाई तो यहां पे जनता का जवाब आना शुरू हो गया है अरे यहाँ यूरो कप इटली ने जीता है अरे भावनाओं में बह गए थे भाई भावनाओं में बह गए थे इटली देख रहे थे तुम लोगों को याद है कि नहीं पुर्तगाल ने पिछले साल जीता था इटली ने जीता है और पुर्तगाल के जो है वो हमारे रोनाल्डो जो है वो क्या किए थे सबसे ज्यादा गोल्ड किए थे चलो कोई बात नहीं हो जाता है कभी कभी तो यहाँ पर हमने क्या पूछा फ्रेग मोजेक का जो अनावरण है वो किसने किया हुआ है तो जनता क्या बोलना चाहेगी तो जनता बोलेगी सर यहां पे सही जवाब होना चाहिए दैट द रॉय रॉय ने इस किताब का अनावरण किया है दैट द मोजेक आगे तब चलते आपको बताना है वॉट इज द रैंक ऑफ फिनलैंड इन हमारा हैप्पीनेस इंडेक्स हैप्पीनेस इंडेक्स में हमारी जो है वो फिनलैंड की रैंक क्या है जल्दी से बताइए फटाफट देखते कितने लोगों को पता है <coughs> तो यहाँ पर जनता बोल रही है कि सर सही जवाब होना चाहिए फिनलैंड जो है ये टॉप का कंट्री था फिनलैंड कौन से नंबर पे था टॉप का कंट्री था इंडिया की रैंक क्या थी बेटा इंडिया की रैंक भी कमेंट करके बता दो जल्दी से इंडिया की रैंक क्या थी ये भी कमेंट करके बताओ जल्दी फटाफट से तो फिनलैंड जो है ये टॉप पे था और इंडिया की रैंक बताना है आपको तो यहां पर जनता बोली है सर इंडिया की रैंक थी 139 ठीक है तो 139 जो है वो इंडिया की रैंक थी आगे तब चलते हैं आगे आपको बताना है विच स्टेट हैज टॉप द नीति आयोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इन इंडिया हमारे नीति आयोग ने जो है वो हमारी हमारे जो नीति आयोग है उसने हमारे कौन से स्टेट को सस्टेनेबल डेवलपमेंट में टॉप की जगह दी है नीति आयोग के बारे में सभी लोग जानते हैं ना चलिए तो यहां पर जनता बोले सर यहां पर सही जवाब होना चाहिए केरला जहां पर हम लोग देख रहे हैं आजकल 50 परसेंट से ज्यादा केसेस आ रहे हैं तो केरला जितने लोग बोले उनका जवाब बिल्कुल सही है आपको बताना है इनमें से कौन से इंडियन इन, हीरो इंडियन विमेंस लीग 2020 का 2021 का आयोजन स्थल कहां पे है क्या है गाइस हीरो इंडियन वीमेंस लीग हॉकी का टूर्नामेंट है इसका आयोजन कौन सा राज्य कर रहा है जल्दी से बताओ गाइस क्या होना चाहिए जम्मू कश्मीर हरियाणा तमिलनाडु उड़ीसा ठीक है ठीक है भैया हमारा गला रुंध गया था तुम लोग थोड़ा सा जोश कम हो जाता है तुम लोगों का ए, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई कर लोगे एक बार तो जिंदगी बदल जाएगी एग्जाम में जाओगे तो ये हमारा जो है ये कहां पर होना है जनता ने यहां पर बोलना शुरू कर दिया सर भुवनेश्वर उड़ीसा में होने वाला है है ना तो जितने लोग यहां पर बोलेंगे सर हमारा ये भुवनेश्वर उड़ीसा में होने वाला है उनका जवाब बिल्कुल सही है यहाँ के जो हमारे सीएम साहब है नवीन पटनायक जी है ये भी हमको याद रखना है आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है रिसेंटली अ बुक नेम संघर्ष से शिखर तक संघर्ष से शिखर तक यह किताब किसने लिखी है जनार्दन गहलोत सीपी जोशी महावीर भगोरा राजेंद्र सिंह गजेंद्र सिंह क्या होना चाहिए गाई? जल्दी से जनता फटाफट संघर्ष से शिखर तक किसने लिखी है बहुत इंपॉर्टेंट किताब है तो कांग्रेस के ये हमारे राजस्थान के राजस्थान के क्या है राजस्थान के ये हमारे स्पीकर है मतलब वहां की विधानसभा के स्पीकर है जिनका नाम है सीपी जोशी जी जोशी जी ने जोश में आकर के किताब लिख दी संघर्ष से शिखर तक जोश में रहोगे तभी संघर्ष करके शिखर तक पहुंचोगे याद करने का तरीका हर का अपना अलग अलग तरीका होता है आपको बताना है कि हमारे यहां पर अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की घोषणा फिलिंग द ब्लैंक्स भारतीय महिला लीग का कौन सा संस्करण की मेजबानी कौन करेगा गाइज ये भी वही होना है ये भी वही होना है जहां पर अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया था जल्दी से ठीक कर दो तो यहां पर जनता बोले सर सही जवाब होना चाहिए क्या तो जनता बोले सर सही जवाब होना चाहिए दैट द उड़ीसा उड़ीसा के ऊपर फिर से चले जाते हैं तो उड़ीसा के ऊपर टिक कर दो अंक मिलता चला जाएगा आगे तब चलते युवा भारत बहुत इंपॉर्टेंट किताब है मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में मिलने वाली किताब युवा भारत द हीरोज ऑफ टुडे नामक किताब के लेखक कौन है अमिताभ घोष रामचंद्र गुहा देवदत्त पटनायक या हमारे है देववीर सिंह भंडारी युवा भारत जल्दी बताओ यहां पर जनता बोले सर युवा भारत जो किताब है इसके हमारे द हीरोज ऑफ टुडे इसके जो लिखने वाले हैं जनता जितनी लोग बोलेगी सर सही जवाब होना चाहिए देवी सिंह भंडारी उनको यहां पर अंक मिलता चला जाएगा साठ ज्यादा किताबें ये लिख चुके हैं और इनकी ये काफी फेमस किताब है तो यहां पर जितने लोग बोलेंगे सर देवी सिंह भंडारी उनको यहां पर अंक मिल जाएगा देवी सिंह भंडारी यहां पर क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा आगे एक तब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हैल्ले पासपोर्ट की आधुनिक रिपोर्ट के अनुसार मतलब जो अभी रिपोर्ट आई है सेकेंड क्वार्टर में उसमें भारत की रैंक क्या है वॉट वॉज द इंडियाज रैंक जल्दी से जनता तीन सौ स्टूडेंट यार जुड़े ही रहे तभी तो मजा आएगा दो घंटे में तभी एनर्जी आएगी जब यहाँ पे तीन सौ विद्यार्थी रहेंगे और तुम लोगों को टिक के खेलना है यहाँ पर जनता बोले सर सही जवाब बनना चाहिए पचासी छियासी के बीच में रहती है रैंक को तो यहाँ पे टॉप पे कौन सा कंट्री है तो टॉप पे रहता है जापान हमारा और इंडिया जो है वो पचासी छियासी नंबर पे दैट वॉज द राइट आंसर हमारे पासपोर्ट की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत कम है पचासवें नंबर पे है द होम इन वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है वर्ल्ड किताब किसने लिखी है सेन that was a Maratha, that was a Rebecca या अभिजीत बनर्जी क्या होना चाहिए गाइस सही जवाब क्या है द होम इन वर्ल्ड बहुत इंपॉर्टेंट जो भी किताब बता रहे सब इंपॉर्टेंट है पीडीएफ भी देंगे सात बजे पीडीएफ दे देंगे जैसे लेक्चर खत्म होगा पीडीएफ ले लेना भाई घर ले जाना यही सब प्रश्न बनने वाला है जनता बोलेगी सही जवाब होना चाहिए अमृत सेन की तरफ टिक करेंगे उन सभी को यहाँ पर अंक मिल जाएगा हमारे देश के रहने वाले थे और इनको नोबेल प्राइज मिला था ठीक है नोबेल प्राइज मिला था दैट वाज़ द अमृत सेन जितने लोग उनका जवाब बिल्कुल सही है उन्नीस में इनको नोबेल प्राइज मिला था 1988 में और उसके एक साल के बाद उन्नीस में इनको भारत रत्न मिला था मतलब पहले नोबेल प्राइज मिला इनको और बाद में जो है क्या मिला भारत रत्न मिल गया एक साल के बाद दोनों अवार्ड इनके पास है आगे आगे तब तब चलते, चलते, तो ये भी पूछा जा सकता है कब मिला था इनको? इनमें से किस कंपनी के सी ने अशोक कुमार सिंथालिया ने इस्तीफा दिया कौन से कंपनी के सी थे अशोक कुमार संथालिया जिन्होंने इस्तीफा दे दिया तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन में क्या है दैट वॉज द मेहसिस एस सी एल टेक्नोलॉजी लॉरेंस एंड टर्बो या कैंपे गेमनी जल्दी जवाब दो इस क्या होना चाहिए जल्दी फटाफट जवाब आना चाहिए भाई 300 प्लस के विद्यार्थी कम होते ना हमारा मोटिवेशन कम हो जाता है हम सोचे थे साढ़े तीन सौ तक लेके जाएंगे लेकिन तुम लोगों का साथ नहीं रह रहा है रोहित साथ नहीं रह रहा है तो यहां पर जनता बोले सर एल एन भैया जो तुम्हारे यहां पर मेट्रो बना रही ना सबके शहरों में आजकल मेट्रो बन रहे हैं भले बैठने वाला कोई नहीं सरकार को लगता है बनाए पड़ो बनाए रहो बस है ना लखनऊ की मेट्रो तो ऐसे खाली ही चलती है उसमें कोई बैठता ही नहीं है इतना ज्यादा टिकट है उसका पच्चीस फरवरी दो को जैसलमेर ने एक मरु महोत्सव की आयोजित किया जिसमें मिस्टर डेजर्ट का खिताब किसको दिया गया मतलब मिस्टर मरुस्थल कौन बन गए कपिल कृष्णा अरविंद या मनीष बताओ भैया कपिल कृष्णा कुमार पारेख जितने लोग बोल बोले <coughs> उनका जवाब बिल्कुल सही है आगे चलते हैं जेंडर बॉयज एंड इल्यूजन एंड एडवर्टाइजिंग इंडिया रिपोर्ट निम्नलिखित में से कौन सी संस्था ने इशू की है जेंडर बेस इंक्लूजन इन एडवर्टाइजिंग इन इंडिया रिपोर्ट किसने पब्लिश की है डब्ल्यू एच ओ ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने दैट वॉज द ऑक्सम इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशन फॉर द चिल्ड्रेन फंड यूनिसेफ ने क्या होना चाहिए इस सही जवाब कौन कर सकता है ये जेंडर बेस या जनता बोले सर सही जवाब क्या होना चाहिए यूनिसेफ में यूनिसेफ यहाँ पे होना चाहिए यही हमारा जेंडर जेंडर जो बेस्ड होता है लड़के लड़कियों का अनुपात कितना होता है यही रिपोर्ट जारी करेगा तो यहाँ पर यूनिसेफ जितने लोग बोल रहे हैं उनका अंक यहां पर बिल्कुल सही है ठीक है हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है आगे की तरफ चलते हैं आपको बताना है कि इनमें से कौन सा देश जो है हेल्ले पासपोर्ट इंडेक्स में टॉप पे था जल्दी जवाब दो भाई फटाफट जवाब आना चाहिए तो यहां पे जनता बोले सर सही जवाब होना चाहिए क्या दैट द करेक्ट आंसर इज जापान जितने लोग जापान बोल रहे हैं ठीक है उनका जवाब बिल्कुल सही है है ठीक तो जापान इज राइट आंसर आगे तब चलते हैं इनमें से कौन जो है वो जनरल बिपिन रावत के बाद सेना अध्यक्ष बने थे अनिल चौहान एम के मर, नरावने नरवीर सिंह या एस के सैनी जल्दी बताइए क्या होना चाहिए कौन जो है बिपिन रावत के बाद बने थे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे सारे तो यहां पर जितने लोग बोले हैं सर होना चाहिए क्या जितने लोग बोले हैं सर एम के नरावने होना चाहिए उनका जवाब बिल्कुल सही है दैट वाज़ द करेक्ट आंसर एम के नरावने इज द करेक्ट आंसर ये हमारे बिपिन सिंह रावत के बाद क्या बने थे ये हमारे सेनाध्यक्ष बने थे दैट वाज़ द करेक्ट आंसर आगे एक तरफ चलते हैं तो अभी हमारे जो चेयरमैन अभी हमारे से जो सेना अध्यक्ष वो कौन है नरावने। आगे है आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना निम्नलिखित में से किस ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट ने दो हजार इक्कीस के लिए ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट का थर्ड एलन बॉर्डर प्राइज जीता है क्या जीता है थर्ड एलन बॉर्डर प्राइज जीता है दैट स्टीव स्मिथ डेविड वॉर्नर पैट कमिंस या एरन फिंच तीसरी बार भैया तीसरी बार और बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं बहुत सालों से <laughs> यहां पे जनता जवाब दे रही है सर सही जवाब होना चाहिए स्टीव स्मिथ जो हमारे ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर जो है कई सालों तक इन्होंने कप्तानी की और बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं स्टीव स्मिथ द द करेक्ट आंसर इन जनवरी 2021, ऑफ ऑफ फॉलोइंग इंट्रोडक्शन प्लेयर ऑफ द मंथ इनमें से किसने हर महीने किसी ना किसी प्लेयर को बेस्ट प्लेयर का अवार्ड दिया जाएगा ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन एर्चरी फेडरेशन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल या एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया क्या होना चाहिए गाइज यहां पे सही जवाब ठीक है जल्दी जवाब देंगे तो आईसीसी दे रहा है सभी को पता है ठीक है आ, किसने प्लेयर ऑफ द मंथ की शुरुआत की थी तो पे फेडरेशन नहीं होना चाहिए क्रिकेट में दिया जा रहा है है ठीक कंप्यूटर जी सही कर लो आईसीसी दे रहा है यहां पर जितने लोग यहां पर क्रिकेट की तरफ जाएंगे उनको जवाब मिल जाएगा ऋषभ पंत को पहली बार दिया गया था क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट था लिटिल बुक ऑफ इंकरेजमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग पब्लिस्ड इनमें से किसने जो है लिटिल बुक ऑफ इंकरेजमेंट नाम की किताब लिखी दलाई लामा की ये किताब है लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट आपको पहले तो ये याद रखना है किसने प्रकाशित किए ये आपको बताना है रैंडम हाउस एस चांद पब्लिकेशन पेंग्विन रैंडम हाउस या हमारे इंडिया लिमिटेड तो देखिए दलाई लामा जो कि हमारे एक बहुत भिछुक है उनकी किताब है कौन सी द लिटिल बुक ऑफ इंकरेजमेंट किसने यहां पर पब्लिश की है जनता बोलेगी सर सही जवाब होना चाहिए पेंगुइन रैंडम हाउस जितने लोग यहाँ पर पेंगुइन रैंडम हाउस बोल रहे उनको यहाँ पर अंक मिलता चला जाएगा दैट वाज़ द करेक्ट आंसर जनवरी 2021 20 की बात कर रहे हैं 33 वर्ष की आयु में कौन दुनिया का सबसे कम उम्र का क्या बना है नेता बना है मतलब प्रधानमंत्री बना है इससे कम उम्र में कोई भी प्रधानमंत्री नहीं बने थे दैट वॉज द एमुअल मार्कन फ्रांस के अलेक्जेंड्रिया और इसका हमारे यूएसए के दैट द दस्टियन ऑस्ट्रिया के या हमारे न्यूजीलैंड की कौन थे सबसे कम उम्र के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है भैया 300 300 रहो यार गया 300 प्लस जो है वो हमको रहना है 300 प्लस तो यहां पर जनता बोले सर यहां पर सही जवाब होना चाहिए ऑस्ट्रिया के सेबेस्टियन जितने लोग ऑस्ट्रिया की तरफ जा रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है यहां पे प्रश्न है आईसीसी स्प्रिट ऑफ द क्रिकेट का अवॉर्ड किसने जीता है दैट वाज़ द सचिन तेंदुलकर कुमार संगकारा जैक कालिस या एमएस धोनी धोनी को मिला था और यह क्वेश्चन पूछा भी गया है ठीक है धोनी को मिला था और यह क्वेश्चन जो है वो पूछा भी गया है है आगे तरफ चलते हैं ब्रांड ब्रांड फाइनेंस फाइनेंस ग्लोबल ग्लोबल रैंकिंग रैंकिंग में सबसे ऊपर कौन है? फाइनेंस, ग्लोबल की रैंकिंग में सबसे कौन है? तो यहां पर क्या होना चाहिए है, है? कोको कोला -को नहीं भैया पीछे चला गया कोको कोला काफी <coughs> आपको बताना है द वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स निम्नलिखित में से कौन सा संगठन प्रकाशित करता है वर्ल्ड बैंक एनिमेस्टी इंटरनेशनल दैट वाज द चैरिटीज एड फाउंडेशन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या होना चाहिए गाएग? सही जवाब जल्दी से जनता जवाब देगी <coughs> चैरिटीज एड फाउंडेशन जितने तीन नंबर बोल रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स जो है ये हमारा चैरिटी एड फाउंडेशन के द्वारा प्रकाशित किया जाता है दैट वॉज द एजिंग वॉटर इंफ्रास्ट्रक्चर इमर्जिंग गोल रिस्क रिपोर्ट कौन से संगठन के द्वारा इशू किया जाता है दैट वॉज द एजिंग वॉटर इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट तो गैस यहाँ पर यूनाइटेड नेशन के द्वारा ये इशू किया जाता है एगिंग वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट यूएन आपको बताया था चौबीस अक्टूबर को अरे भाई क्या हुआ 24 अक्टूबर को जो है इनका स्थापना दिवस मनाया जाता है याद रखिएगा इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है ठीक है आगे तब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है यूएनडीपी की रिपोर्ट के अनुसार भारत की रैंक क्या है यूएनडीपी की रिपोर्ट के अनुसार भारत की रैंक क्या है फटाफट से जवाब देना है <coughs> नॉर्वे जो है ये फर्स्ट नंबर पे नॉर्वे जो है ये पहले नंबर पे है और हमारा भारत एक 131वें नंबर पे ठीक है 131 नंबर आगे एक तब चलते हैं इंडियन प्रीमियर लीग का 2021 में कौन सा संस्करण शुरू हुआ था कोरोना की वजह से बंद हो गया 14वां 15वां 16वां या 17वां कौन सा संस्करण शुरू हुआ था जो बंद हो गया बहुत लेट आ रहे हो ज अटीन चौदवे नंबर का दैट वॉज अ राइट आंसर करुणा नदी अलाइफ किताब किसने लिखी है किस लिखी है that was a uh, मंदिरा बेदी या सत्यदेव बर्मन क्या होना चाहिए सही जवाब <coughs> बोलिए सर एस पनेरी सेलवम जो कि इन्हीं के पार्टी के थे उन्होंने ये लिखी हुई है किताब याद रखिएगा का काफी इंपॉर्टेंट है और अभी यहाँ पे तमिलनाडु के नए सीएम भी बने हैं जिनका नाम क्या है हमारे स्टालिन स्टैलिन जो है यहाँ के नए सीएम भी बने हैं ठीक है आगे की तरफ चलते आगे हमारे पास आता है अरुंधति चौधरी कौन से खेल से जुड़ी हुई है अरुंधति चौधरी बास्केटबॉल क्रिकेट बॉक्सिंग कबड्डी अरुंधति चौधरी की बात कर रहे हैं कौन से खेल से जुड़े हुए हैं हाँ बेटा एनर्जी लेवल कम हो जाएगा भैया सुबह से सुबह नौ बजे से यार पढ़ा रहे हैं रात में नौ बजे तक कैसे एनर्जी रहेगा इंसान है कम हो जाता है लेकिन पढ़ते रहो क्वेश्चन बहुत अच्छे है ठीक है क्वेश्चन बहुत अच्छे है। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होना चाहिए बॉक्सिंग जितने लोग बोल रहे हैं उनका यहाँ पे अंक मिल जाएगा मोनिका बत्रा क्रिक हमारे बास्केटबॉल खेलती है क्रिकेट के बारे में बहुत सारे नाम है तुम लोग जानते हो गए कबड्डी में हमारी टीम खेलती है पूरी आगे की तरफ चलते हैं मेजुबिक मसीहा नाम की किताब किसने लिखी है शशि थरूर ने रॉबिन रॉबिस्टन मिस्त्री ने आर एस कुंदला ने या हमारे विक्रम चंद्रा ने क्या होना चाहिए यहां पे सही जवाब मेज़विक मसीहा नाम की किताब किसने लिखी है <coughs> तो यहां पर जनता का जवाब आ रहा है कि सर सही जवाब क्या होना चाहिए वाज़ द रमेश कुंद्रा कुंदला इज राइट आंसर रमेश कुंद्रा इज राइट आंसर जितने लोग तीन नंबर बोल रहे हैं उनको यहां पर अंक मिलता चला जाएगा बिल्कुल सही है नीति आयोग के सीईओ कौन है नीति आयोग के सीईओ बताना है यूके सिन्हा अमिताभ कांत अरविंद पनगरिया या सुधांशु सिंह जल्दी जवाब दे दो भाई क्या होना चाहिए भैया चेयरमैन कौन होता है पीएम होते हैं वाइस चेयरमैन राजीव कुमार है क्या हो गया भाई राजीव कुमार जो है वो वाइस चेयरमैन है ठीक है राजीव कुमार आगे की तब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इंडिया ड्रामा फिल्म पेबल्स बैक द टाइगर अवार्ड फॉर द बेस्ट फिल्म इन द इंटरनेशनल हु बिकम द डायरेक्टर ऑफ दिस फिल्म हु विन द टाइगर पुरस्कार टाइगर पुरस्कार जीतने वाले निर्देशक का नाम बताइए ठीक है विनोथ राज मनीर रत्नम दीपा मेहता या नीरज पांडे क्वेश्चन क्या है कि हमारे टाइगर पुरस्कार किसने जीता है तो रेट रै, डम ने इसके जो निदेशक है उनका नाम आपको यहां से पिक करना है निदेशक का नाम तो यहां पर जनता अलग अलग जवाब दे रही है लेकिन सही जवाब है विनोद राज अपना अपना बता रहे रत्नम नीरज पांडे है सब आ गया तो भैया टाइगर अवार्ड किसने राटडम नाम की फिल्म ने जीता है उसका निर्देशन किया था विनोद राज ने एस्टोनिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं बिकम द न्यू पीएम ऑफ एस्टोनिया फटाफट जवाब दे दो जितने लोगों को पता है वो जल्दी से हाथ ऊपर करके बता देंगे कौन बने हैं चलिए यहां पर जनता का मानना है कि पहली महिला पीएम बनी है. महिला है और इनका नाम है काजा कालास काजा कालास जो है ये पहली पीएम बनी है हमारी कहा की स्टोनिया की यह भी आपको याद रखना है काजा कलास और ये यहाँ की कैपिटल क्या है तो टलिन टन जो है यहाँ की कैपिटल है तो टन इज द कैपिटल ऑफ एस्टोनिया और यहाँ पे काजा कलाश पहली महिला सीएम पीएम बनी है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है याद रखिएगा ऐसा प्रश्न जरूर पूछा जाएगा ठीक है काजा कलाश के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चिल्ड्रंस क्लाइमेट अवार्ड 2020 हजार बीस विच ऑफ एफर्ट तमिलनाडु के किशोरी मनीषा उमा शंकर ने किस प्रयास के लिए चिल्ड्रन क्लाइमेट अवार्ड दिया गया फंडिंग ऑफ सोसाइटी फॉर द इको सिस्टम दैट वॉज अ लीडिंग वेस्ट मैनेजमेंट ड्राइव इन हर सोसाइटी डिजाइनिंग ऑफ द सोलर पावर्ड आयरिंग कार्ड या अंडरटेकिंग एंड मैसिव प्लांटेशन ऑफ कंपेनिंग क्या होना चाहिए सही जवाब यहां पे जनता बोले सर सही जवाब क्या होना चाहिए ठीक है तो तमिलनाडु की सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि तमिलनाडु की जो है विनीसा उमाशंकर को चिल्ड्रेन क्लाइमेट अवार्ड दिया गया पहले तो आपको यह याद रखना है अब यहां पर पूछा जाएगा भैया किस ले दिया गया है तो आपको याद रखना है यह हमारा दिया गया है हमारे सोलर पैनल से चलने वाली आयरन कार्ड बनाने के लिए तीन नंबर यहां पर जितने लोग बोलेंगे सोलर मतलब हमारी सौर एनर्जी से यह चलेगी इसके लिए अवार्ड दिया गया है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपको बताना इनमें से कौन आरबीआई के चौथे डिप्टी गवर्नर के रूप में चुने गए थे टीबी रविशंकर आनंद सिन्हा टीबी रविशंकर आनंद सिन्हा राकेश मोहन या हमारे प्रफुल्ल चंद्र पंत कौन डिप्टी हमारे बने हैं गवर्नर फ्रॉम द फॉर द आरबीआई क्या होना चाहिए गाइस सही जवाब जनता का जवाब आना शुरू हो गया कि सर होना चाहिए टीबी रविशंकर जितने हम टीबी रविशंकर बोल रहे हैं टी रविशंकर उनका जवाब बिल्कुल सही है टी रविशंकर इज अ करेक्ट आंसर हमारे शक्तिकांत दास जो है वो हमारे बिल्कुल इसके चेयरमैन है और टी रविशंकर इसके हमारे डिप्टी चेयरमैन बने चार इनके जो है चार हमारे डिप्टी गवर्नर होते हैं उनमें से एक टी रविशंकर है ठीक है यहां पर एक नाम की तरफ मैं चर्चा आप लोगों का करना चाहूंगा जहां पर प्रफुल्ल चंद्र पंत ये हमारे ह्यूमन जो हमारे मानव मानव अधिकार है ठीक है ह्यूमन राइट right के हमारे कार्यकारी चेयरमैन है ह्यूमन राइट right के चेयरमैन अगर पूछेगा तो आप प्रफुल चंद के ऊपर टिक कर दोगे ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है गोल्डन गोल ग्लोब अवार्ड हमारे 2021 में किसको दिया गया 2021 का गोल्डन ग्लोब अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है पैरासाइट नो मेडलैंड रेनेस ब्लैक बॉटम या यूनाइट यूएस यासेज बिली हॉलीडे ओहो पीडीएफ मिल जाएगी अभी बताएंगे थोड़ी देर रुक जाओ भाई थोड़ा पढ़ लो तो पे जनता बोलिए सर सही जवाब होना चाहिए जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड जिसको मिला था वो नो no मेडलैंड है ऑस्कर हो नो no, हमारा जो है वो चाहे कौन सा गोल्डन ग्लोब अवार्ड हो वो सारे के सारे नो no मेडलैंड को मिले आगे की तरफ चलते हाल में ही राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के महानिदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है एन के महानिदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है अशोक लवासा राजीव महेश्वरी वाईसी मोदी या सुशील अरोरा सुनील अरोरा सॉरी <coughs> तो जनता का जवाब आना शुरू हो गया है कि सर सही बिल जाएगा। केतन परेशान मत हो हमें पता है भैया तो यहाँ पे सही जवाब देना चाहिए वाईसी मोदी ठीक है सुनील अरोरा ये हमारे क्या थे इलेक्शन कमिश्नर थे क्या थे इलेक्शन कमिश्नर चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे इनका काम खत्म हो गया ठीक है इलेक्शन कमिश्नर थे और इनकी जगह पे अब कौन आ गया सुशील चंद्रा सुशील चंद्रा जो है वो इनकी जगह पर आ गए हैं तो याद रखिएगा सुशील चंद्रा इनकी जगह पर आ गए लेकिन हमारे यहाँ पर पूछा था एनआईए के चीफ तो आपको याद रखना वाई सी मोदी आपको बताना विच ऑफ द फॉलोइंग दन दाइनटी थर्डमी अवार्ड दो हजार इक्कीस फॉर द बेस्ट फिल्म एडिटिंग बेस्ट फिल्म एडिटिंग का ऑस्कर अवार्ड किसने जीता है मतलब अगर एकेडमी अवार्ड बोल रहा है मतलब वो ऑस्कर के बारे में पूछ रहा है ठीक है तो साउंड ऑफ द मेटल फादर प्रोमिसिंग यंग वुमेन ट्रायल ऑफ द शिकागो भैया बेस्ट जो है वो हमारी एडिटिंग फिल्म आपको बताना है कौन सी जिसका साउंड एडिटिंग किया गया था इतने जवाब क्या होना चाहिए याद रखिएगा तो तो उनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था ठीक है बेस्ट एक्टर कौन थे फादर के हमारे एक्टर जिनका नाम हॉपकिंस था अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था ठीक है हॉपकिंस को ठीक चलिए आगे तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 की किसने जीती है यूपी ने पंजाब ने तमिलनाडु ने बरोदा ने किसने जीती है जल्दी बताओ कौन सी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीती यूपी पंजाब तमिलनाडु या बरोदा <coughs> जनता का जवाब बारह सा सही जवाब होना चाहिए सैयद मुस्ताक अली ट्रॉफ़ी जो जीतने वाले हैं बिल्कुल सही आप लोग बोल रहे हैं दैट वाज़ अ करेक्ट आंसर इज तमिलनाडु जितने लोग तमिलनाडु बोलेंगे मुरली कार्तिक की टीम थी भैया मुरली कार्तिक की टीम थी उन्होंने यह ट्रॉफी जीती हुई है तो तमिलनाडु की तरफ जाओगे अंक मिलता चला जाएगा पृथ्वी शाह ने यहाँ पे अच्छा प्रदर्शन किया था लेकिन मुरली कार्तिक की टीम जीती बाय मैनी द हैप्पी एक्सीडेंट फिर से क्वेश्चन आ गया ये आत्मकथा कौन से हमारे नेता की है हाँ। चलिए यहां पे जनता ने बोला सर हामिद अंसारी के ऊपर टिक करेंगे हामिद अंसारी इज राइट आंसर हमारे पूर्व वाइस प्रेसिडेंट थे हामिद अंसारी उनके ऊपर ये किताब लिखी गई है दैट वाज अ करेक्ट आंसर हामिद अंसारी बिल्कुल हामिद अंसारी के ऊपर जाना है ठीक है चलिए बाकी का हम लोग शशि थरूर के ऊपर बात कर ले एन इरा ऑफ डार्कनेस एरा का मतलब होता है एक संवत एरा ऑफ डार्कनेस ये इन्होंने किताब लिखी है सबसे फेमस है कहाँ चले जा रहे हो भाई डार्कनेस जो है ये इन्होंने किताब लिखी हुई है ठीक अगर हम लोग चिदंबरम की बात कर ले तो चितंबरम में लिखा है स्पीकिंग ट्रुथ टू पावर ठीक है स्पीकिंग ट्रुथ मतलब सच बोलने का जो ताकत है स्पीकिंग ट्रुथ कहा चले जा रहे हो चाचा स्पीकिंग ट्रुथ ये किसने लिखी हुई है हमारे चिदंबरम साहब ने आगे तक तो चलते है. हमारे सीएजी के रूप में किसको चुना गया है हु बिकम द न्यू सीएजी ऑफ इंडिया सीएजी के रूप में किसको चुना गया गाइस थोड़ा सा ये लैग कर रहा है मैं इसको मिनट के लिए हटा रहा हूं लेकिन आप लोगों को नहीं जानना है आप लोग बने रहिएगा मिनट के लिए मैं इसको हटा रहा हूं पता नहीं क्यों लैग आ रहा है थोड़ा सा ठीक है हमारे इस कंप्यूटर में तो जिससे हमें लिखने में प्रॉब्लम हो रही है उम्मीद करते हैं कि ये थोड़ा सा सही हो जाएगा तो मैं इसको यहां से ओपन करता हूं फिर से तो सीएजी के रूप में किसको चुना गया है यह प्रश्न यहां पे हम पूछना चाहते हैं ठीक है बताइए इस क्या होना चाहिए हाँ <coughs> तो उप नियंत्रक और महालेखक सीएजी के रूप में जिनको चुना गया है दैट दैट वाज़ वाज़ द हरदी हिंदपुर प्रदीप राव या एचपी राव के नाम से जाने जाते हैं यहां पर उप लगा हुआ था डिप्टी ठीक है डिप्टी लिखा हुआ था याद रखना है आपको कहे भैया कहे के लिए भाग रहे हो डिप्टी लिखा गया था और हमारे जो सीएजी बने हैं मतलब यहां पे अगर सिर्फ सीएजी लिखा होता तो आप जीसी मरामू के ऊपर टिक कर देते जीसी मरामू के ऊपर ठीक है चलिए आगे तब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि हु फॉलोइंग ट्राइबल रिसीव पद्मश्री अवार्ड फॉर जनवरी 2021 पद्मश्री अवार्ड कौन से हमारे आदिवासी कार्यकर्ता को दिया गया जल्दी से जनता जवाब दे देगी फटाफट से बहुत अच्छा नाम है भाई उनका बहुत अच्छा नाम है कई बार तुम लोगों को बताया भी हुआ है चलिए यहां पर जनता बोले सर चटनी महतो होना चाहिए चटनी महतो इज अ राइट आंसर चटनी महतो ये हमारे एक आदिवासियों के लिए काम करने वाली महिला है जिनको उनके उत्कृष्ट काम के लिए पद्मश्री अवार्ड दिया गया दैट वॉज द करेक्ट आंसर चटनी महतो आगे चलते हैं जून 2021 में हु बिकम द मोस्ट कैप्ड प्लेयर इन द इंग्लैंड क्रिकेट टीम इंग्लैंड क्रिकेट टीम में किसको जो है वो सबसे ज्यादा टेस्ट मैच खेलने का लिए सम्मानित किया गया Guys, एक मिनट आप लोग जो है वो इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट करो मैं थोड़ा सा इस स्लाइड को जल्दी से चेंज कर लेता हूं और क्योंकि थोड़ा सा लैग कर रहा है कंप्यूटर एक मिनट आप लोग चले गाइस तो वापस से हम लोग आ गए तो चटनी राइट आंसर अभी लैग नहीं कर रहा है थोड़ा सा कभी -कभी। तो तो इंग्लैंड की तरफ से आगे आपको बताना है कि नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित कर्म योद्धा ग्रंथ का विमोचन किसने किया था रामनाथ कोविंद राजनाथ सिंह रामनाथ कोविंद फिर से यार आगे पीछे भाग रहा है राजनाथ सिंह पीयूष गोयल या अमित शाह किसने किया था गाइज हमारी कर्म योद्धा ग्रंथ गाइज ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट किताब है और पिछली बार भी हमने देखा था एग्जाम में हमको देखने को मिली थी तो यहां पर जनता बोले सर सही जवाब होना चाहिए अमित शाह ने इस किताब को विमोचन किया था और यह हमारे एग्जाम में पूछी जा चुकी है ठीक है यह हमारे एग्जाम में पूछी जा चुकी है दैट वॉज द करेक्ट आंसर ठीक आगे तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहां पर बताना है विनय कोठारी 2021 में कौन से न्याया हमारे न्यायालय में हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने थे गुजरात पटना मद्रास बंबई ये भी प्रश्न हमारे एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में पूछा गया था याद रखिएगा ऐसा प्रश्न प्रश्न पूछा जा रहा है क्या था विनीत कोठारी जो है कौन से हाई कोर्ट में हमारे बने थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जनता बोली सर मद्रास होना चाहिए कुछ लोग गुजरात बोल रहे हैं इसका सही जवाब है गुजरात जितने लोग गुजरात बोल रहे हैं उनका सही जवाब है यहाँ पे गांधीनगर हाई कोर्ट में इनको आप देख सकते हो आपको बताना है पैरा पावर लिफ्टिंग के प्रशिक्षक के रूप में 2020 का लाइफ टाइम अचीवमेंट द्रोणाचार अवार्ड किसको दिया गया तो द्रोणाचार अवार्ड कोचेस को दिया जाता है मतलब जो सिखाते हैं उनको दिया जाता है द्रोणाचार का मतलब ये गुरु यहां पर आपके शिव सिंह रोमेश पंथिया विजय या हमारे पुरुषोत्तम राय क्या होना चाहिएगा सही जवाब यहां पर जनता बोले सर सही जवाब होना चाहिए जिनको हम लोगों ने देखा था किसमें हमारे द्रोणाचार्य अवार्ड में उनका नाम क्या है दैट वॉज द विजय हमारे बालचंद्र चंद्र मुनिसर इन्होंने पैरा पावर लिफ्टिंग मतलब जो हमारे दिव्यांग लोग होते हैं और वो पावर लिफ्टिंग करते हैं उसके लिए इनको चुना गया केंद्रीय बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीबीआई के नए चीफ कौन है नरेंद्र बत्रा दैट वॉज द राजेश बंसाल सुबोध कुमार जायसवाल या एनवी नरम्मा जल्दी से बताइए न बी रमन्ना जल्दी क्या होना चाहिए सभी का सभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट नाम लिख दिया भाई इन लोगों ने तो सभी इंपॉर्टेंट नाम कंप्यूटर जी ने लिख दिए यहाँ के यहाँ पे जनता बता रही है सर सही जवाब क्या होना चाहिए जनता बोली सर सही जवाब क्या होना चाहिए बिल्कुल एकदम सही तुम लोग जा रहे हो चलिए तो यहां पर जनता बोले से सही जवाब होना चाहिए दैट वाज द हमारे सुबोध कुमार जैसवाल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नरेंद्र बत्रा या हमारे हॉकी के चेयरमैन बने हैं हॉकी महासंघ के चेयरमैन कौन बने हैं हॉकी महासंघ के चेयरमैन नरेंद्र बत्ता बने हैं राजेश बंसल की अगर हम लोग बात करें तो ये आरबीआई के इनोवेशन चेयरमैन बने हैं आरबीआई का जो इनोवेशन हमारी प्रणाली चलती है उसके चेयरमैन बने हैं ये आरबीआई के और एनवी रमन्ना की अगर हम बात करें तो यह फोर्टी के क्या है हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है मुख्य न्यायाधीश भारत के हैं सभी याद कर लो एग्जाम में एक ना एक जरूर मिलेगा ना मिले तो कहीं देना एक ना एक जरूर में. के के है हॉकी के चेयरमैन नरेंद्र बत्ता आरबीआई के इनोवेशन के चेयरमैन हमारे राजेश बंसल सुबोध कुमार सीबीआई के हैं एनवी रमन्ना हमारे कौन है हमारे बिल्कुल सीजीआई हैं आगे की तरफ चलते हैं प्रभा वर्मा हैज बैक द प्रभा वर्मा हैज बैक द महाकवि कवच दैट वाज द कंचन नंबीर अवार्ड 2021 आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन ऑन विच लैंग्वेज हमारे जो प्रभा वर्मा है इन्होंने कौन से क्षेत्र में किताबें लिखी कि इनको जो है वो अवार्ड दिया गया महाकवि कुंचन नवियार तो अवार्ड का नाम क्या है ना, uh, महाकवि कुंचन नवियार बंगाली मलयालम संस्कृत या हिंदी <coughs> तो यहां पर सही जवाब क्या होना चाहिए तो प्रभा वर्मा हमारे मलयाली में लिखते हैं मलयालम इसीलिए यहां पर हो जाएगा दो नंबर सही जवाब आगे चलते हैं आपको बताना है कि एशिया क्रिकेट परिषद ए ने एशिया कप दो हजार में कहा कराने के लिए कोशिश किया है पहले यह टूर्नामेंट पाकिस्तान में होना था लेकिन अब कहां पे होगा इंडिया श्रीलंका बांग्लादेश या इंग्लैंड क्या होना चाहिए गाइस सही जवाब बिल्कुल भी नहीं हो रहा है बखरिंग यहां पे जनता बोलेगी सर पहले ये पाकिस्तान में होना था अब होगा श्रीलंका में कहा होगा श्रीलंका में एशिया कप है तो श्रीलंका में होगा इंडिया में होगा बांग्लादेश में होगा यूएई में होगा लेकिन इंग्लैंड में नहीं होगा आगे एक चलते हैं संघर्ष से शिखर तक किसने लिखा है रिविजन क्वेश्चन संघर्ष शिखर तक बताओ किसने लिखा है संघर्ष शिखर तक जो हमारी किताब है ये लिखा है जोशी साहब ने ठीक है आ, जोशी साहब यहां पर होना चाहिए गलत है भाई जोशी साहब ने इस किताब को लिखा हुआ है ठीक है तो आप इसकी तरफ जाएंगे क्रिस मॉरिस जो है ये सबसे महंगे खिलाड़ी बने क्रिस मॉरिस जो है वो सबसे महंगे खिलाड़ी बने कौन सी टीम के 11 के किंग्स सनराइजर हैदराबाद के राजस्थान रॉयल के या दिल्ली कैपिटल के सभी को पता बड़ी महंगे बिके हैं कितने कितने करोड़ में बिके हैं भाई सबसे महंगे खिलाड़ी हैं आईपीएल देख रहे हो कि नहीं है शुरू होने वाला है जल्दी तो यहां पर जनता बोलेगी सर सबसे महंगे खिलाड़ी हैं इनको जो है वो हमारे किसने खरीदा हुआ है राजस्थान रॉयल्स जितने लोग राजस्थान रॉयल्स बोले उनका जवाब बिल्कुल सही है राजस्थान रॉयल्स ने खरीदा है एक जनवरी 2021 को महात्मा गांधी ने एक किताब मेकिंग ऑफ हिंदू पैट्रियॉट बैकग्राउंड ऑफ हिंदू द हिंद स्वराज का विमोचन कौन करेगा जनवरी को 2021 को महात्मा गांधी पर एक किताब लिखी गई मेकिंग ऑफ हिंदू ऑफ गांधी जी हिंदी स्वराज का विमोचन कौन करेगा मोहन भागवत के बी हेडवगर दैट वॉज द सुरेश जोशी साहब या अशोक सिंघल क्या होना चाहिए गाइस सही जवाब तो जनता के यहां पे जवाब आना शुरू हो गया है तो गैस यहाँ पर सबसे पहले तो आपको याद रखना है इसको हमारे आर एस प्र, प्रमुख हमारे मोहन भागवत शुरू करेंगे और इसको लिखने वाले हैं हमारे जे बजाज जे बजाज जे जो है इस किताब के राइटर हैं याद रखिएगा और भाई कहा जा रहे हो जे बजाज इस किताब के राइटर हैं और इसको विमोचन करेंगे आर प्रमुख मोहन भागवत भारत ने अप्रैल 2021 में कजाकिस्तान के अलमाटी में एशियन चैंपियनशिप के खिताब जीतने वाली महिला स्पर्धा में कितने पदक जीते हैं तो याद रखिएगा एशियन चैंपियनशिप जो हुई है हमारी अलमाटी में हुई है ये आपको याद रखना है अब ये हमारे कितने मेडल हम लोगों ने यहां पे जीते हैं आपको बताना है चार पांच छह सात तो यहां पर जनता जवाब दे रही है कि सर सही जवाब होना चाहिए कि हमने यहां पर यह सबसे पहले तो यहां पर क्या हुई है रसलिंग हुई है रसलिंग का मतलब कुश्ती कुश्ती हुई है और हमने यहां पर कितने मेडल जीते हैं हमने यहां पर सात मेडल जीते हैं तो कुश्ती में सात मेडल जीतने का जो हमारा जाता है हमने सात मेडल जीते हैं आपको बताना है इंडिया 2020 हजार ईयर बुक किताब किसने लिखी है किसने जारी की है प्रकाश जावड़ेकर अमित शाह नरेंद्र मोदी शशि थरूर कौन सी किताब है गाइस हमारी इंडिया 2020 ट्वेंटी ईयर बुक तो यहां पर जनता बोले सर इंडिया 2020 ट्वेंटी ईयर बुक जो किताब है उसको लिखने का श्रेय जाता है किसको उसका लिखने का श्रेय जाता है हमारे प्रकाश जावड़ेकर जी को जितने तो लोग यहां पर प्रकाश जावड़ेकर बोल रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है आगे एकदम तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है सोफिया दो की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा मछली उत्पादन करने वाला देश कौन सा है मछली समझ रहे हो उत्पादन बनाई नहीं जाती मछली मछली समुद्र से निकालने वाला देश कौन बना पेरू बना इंडिया बना चाइना बना इंडोनेशिया बना कौन बना भाई कौन मेरा मछली सबसे ज्यादा कहां पर सोफिया ने बोला सबसे ज्यादा मछली यहीं उगाई जा रही है मतलब निकाली जा रही है तो जनता बोली सर चाइना वाले चाइना वाले ऐसा सब काम कर रहे हैं सब टॉप पे इसीलिए आते हैं चाहे वह गेहूँ उत्पादन हो चाहे चाय उत्पादन हो चाहे चावल उत्पादन हो चाहे मछली उत्पादन हो सब यही कर रहे हैं चाइना वाले आगे तब चलते हैं आपको बताना है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मुख्य राज्यों की श्रेणी में हमारा इनोवेशन इंडेक्स में जो है वो सबसे ऊपर है सबसे ऊपर है हमारा कम ने दो में दो में सबसे ऊपर था साउथ चाइना सी की वजह से बिल्कुल सही यहाँ पर बोले आरोहीना तो यहाँ पर जनता बोले सर सही जवाब कर्नाटक जो है वो 2020 में था और हमारा 2021 में केरला बन गया केरला आगे तक चलते नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है सीपरी रिपोर्ट ऑफ द आर्म्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिलीज बाई जो हमारा सीपरी रिपोर्ट है जिसमें हमारे कितना कौन सा देश आर्म्स लेता है और कौन आर्म्स देता है ये कौन रिपोर्ट इशू करता है वर्ल्ड बैंक स्विश थिंक टैंक स्टॉक होंग जिसको बोला जाता है या वर्ल्ड इकोनॉमिक्स इंडेक्स यहीं यही पे क्वेश्चन आंसर जो है क्वेश्चन में ही छुपा हुआ है तो क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है सीप्री का फुल फॉर्म होता है स्वीडिश थिंक टैंक स्टॉक होम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो आपको स्वीडन में देखने को मिलेगा गाइज स्वीडन की कैपिटल क्या है स्टॉक होम स्टॉक होम जो है ये स्वीडन की कैपिटल है एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है ठीक है स्टॉक होम आगे की तो तरफ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है वर्ल्ड एनर्जी इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट इज द पब्लिश्ड बाय विच ऑफ फॉलोइंग वर्ल्ड एनर्जी रिपोर्ट जो है वो कौन इशू करता है वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड काउंसिल ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी या आपको लग रहा है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी क्या होना चाहिए हमारा फोन हो गया स्विच ऑफ तो यहां पर जनता बोल रही है कि सर सही जवाब क्या होना चाहिए तो भैया यहाँ पर जनता बोले सर सही जवाब क्या होना चाहिए तो जितने लोग बोल रहे हैं कि सर सही जवाब होना चाहिए दैट वॉज द ऑप्शन नंबर थ्री मतलब इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जितने लोग बोल रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं गाइज ये हमारा 1947 में बनाया गया था 1947 में तब से अपनी रिपोर्ट देता है और इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है कहां पर पेरिस में आपको इसका हेडक्वार्टर देखने मिलेगा ठीक है आगे तब चलते हैं आगे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द ग्लोबल ग्लोबल रिपोर्ट रिपोर्ट इज हमारी जो है वो किसके द्वारा पब्लिश की जाती है आईएमएफ के द्वारा यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट या हमारे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या वर्ल्ड बैंक के द्वारा जल्दी से जनता फटाफट पत जवाब दे दो देखते हैं कितने लोगों को पता है कितने लोग यहाँ पर तुक्का लगाने की कोशिश करने वाले हैं तो गाय हम लोग नाइन्टी नंबर वाले क्वेश्चन पर जो है वो पहुंच गए हैं नाइन्टी केवल आठ क्वेश्चन बचे हुए हैं ठीक है आठ क्वेश्चन केवल बचे हुए हैं और मेरा गला जो है मेरा साथ नहीं दे रहा है और थोड़ा सा एनर्जी लेवल भी कम हो गया है क्योंकि कंटिन्यूअसली थोड़ा सा लेक्चर हो गए थे आज तो यहां पर केवल आठ क्वेश्चन बचे हुए हैं तो यहां पर जनता का मानना है कि सर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम होना चाहिए जितने लोग यहाँ पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बोल रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है दैट वाज द करेक्ट आंसर ये 2004 से रिपोर्ट हमारी इशू कर रहा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जिसको हम लोग डब्ल्यूफ e. बोलते हैं गाइज अच्छा बताइए वर्ल्ड इकोनॉमिक जो हमारा फोरम है इसका हेडक्वार्टर क्या है इसका हेडक्वार्टर बताइए कहां पे है जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होना चाहिए

किसको अपना कार्यकारी सचिव बनाया है दैट वॉज अनुकृति मिश्रा रेणु जोशी नंदनी नंदनी राज या प्रीति सिन्हा जवाब क्या होना चाहिए फटाफट दे दो एक बार <coughs> यहां पर जनता बोले सर प्रीति होना चाहिए रूपम को लग रहा है सर प्रीति सिन्हा होना चाहिए प्रीति सिन्हा की तरफ जनता जा रही है तो जितने लोग यहां पर प्रीति सिन्हा बोल रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है आगे की तरफ चलते ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल खिताब किसने जीता ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल खिताब पुरुष तो तुम लोगों को पता ही है पुरुष आ जाए तो आंख बंद करके क्या टिक करोगे पुरुष आ जाए तो आंख बंद करके क्या टिक करोगे जनता जितने लोगों को पुरुष का नाम पता है कि किसने हमारे अवार्ड जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन हो विम्बडन हो फ्रेंच ओपन हो जल्दी से यहाँ पे लाइक करके बता दो कि सर हमको पता है लाइक यहाँ पर होना चाहिए लाइक के फॉर्म में दिखना चाहिए ठीक है और जो जिनको ने लाइक कर दिया वो थम्सअप बना के भेजेंगे कि सर हमको पता है चलिए तो यहां पर जनता जो है बोल रहे सर नोवानो जोकोविच होना चाहिए गाइज लाइक होना चाहिए पांच का लाइक यहां पर टच करना है पांच का लाइक नोवान जोकोविच और हमारी जो महिला है उनका नाम है नोजामी ओसाका जितने लोग नोजामी ओसाका की तरफ जा रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है और पुरुष में चाहे बेलग्रेड ओपन हो चाहे हमारा ऑस्ट्रेलियन ओपन हो विम्डन हो फ्रेंच ओपन हो सब जो है वो हमारे जीते नोवान जोकोविच ठीक है आगे हाँ हा ओसाका कहां की है तो ये जापान की है आगे चलते हैं आपको बताना है ज बीन मेड द ब्रांड अम्बेसडर फॉर द पंजाब फॉर एंटी करोना वैक्सीन प्रोग्राम मुझे लगता है कि तुम लोग आँख बंद करके बता दोगे एंटी करोना वैक्सीन के लिए किसको ब्रांड अम्बेसडर बनाया जाए किसको बनाया जाए दिशा पटानी दिशा पटानी किसको पटानी दिशा पटानी सोनू सूद दैट वॉज द सुनंदा शर्मा या रणवीर सिंह जनता बोले सर एक ही एक ही भैया भैया में भैया सोनू भैया तो यहां पर जितने लोग बोल रहे हैं सर सोनू भैया सोनू भैया सोनू भैया वो है एकदम क्या सही जवाब ठीक है सोनू भैया जितने लोग बोल रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है ठीक है सोनू भैया इज राइट आंसर और याद रखिएगा इन्हीं के ऊपर एक किताब लिखी गई है आई एम नो मसीहा ये इन्होंने बोला कि भैया मैंने जो भी काम किया वो इंसानियत के नाते किया है कोई भी काम मैंने ऐसा नहीं किया जो फरिश्ते करते हैं इंसानियत के नाते इंसान वही है जो दूसरे के दर्द को समझे जानवर भी तो एक कटता है जानवर तो दूसरा जानवर बैठ के देखता है लेकिन आजकल की इंसानियत में क्या है मर रहा है मरने दो जल रहा है जलने दो हमको तो बस अपने से मतलब है ठीक है ना तो भैया ऐसा नहीं है तो इनके ऊपर किताब लिखी गई आई एम नो मसीहा चलिए आगे चलते हैं बोस्टन आई एफ एफ बी में इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के तीसरे संस्करण में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया बोस्टन आई एफ एफ बी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कहां पे हुआ बोस्टन अमेरिका में इसमें किसको लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया गया है नसरुद्दीन शाह ओमपुरी अनुपम खेर या अमरीसपुरी जल्दी बताइए क्या होना चाहिए <coughs> जनता बोले सर सही जवाब होना चाहिए हाँ ओमपुरी भैया ओमपुरी होना चाहिए हाँ, नीना रॉय और सोनू सूद ने लिखी हुई आई एम नो मसीहा बिल्कुल भैया अनुपम खेर तुम लोग इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो हमको भी लगा अनुपम खेर होगा गलत हो बे ओमपुरी ओमपुरी को ये अवार्ड दिया गया है बिल्कुल सही आप लोग ओमपुरी बहुत वर्सटाइल एक्टर थे ये और इनको ये अवार्ड दिया गया बोस्टन में <coughs> जाम्बिया में हमारे इंडिया के नए राजदूत के रूप में किसको चुना गया दैट वॉज द संजय राणा विजय सिंह चौहान देवयानी उत्तम या हमारे अशोक कुमार क्या होना चाहिए गाइस सही जवाब अमरीस धनपुरी तो यहां पे जनता बोली सर सही जवाब होना चाहिए अशोक कुमार जितने लोग यहां पे अशोक कुमार बोल रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है अशोक कुमार इज अ करेक्ट आंसर आपको बताना है दैट वाज द इनेविहिल वॉलरिन

क्या होना चाहिए यहाँ पे सही जवाब जनता बोली है सर ये हमारे शूटर है ठीक है शूटिंग करते हैं मतलब गलत जवाब देते हैं कितनी किससे एकदम एकदम छाती चौड़ी करके शूटर सर ये शॉर्टपुट है सर ये जेवलिन थ्रोअर है भैया ये शूटिंग करते हैं इसलिए इनको ये अवार्ड दिया गया ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में चमकेगा जरूर ये क्वेश्चन चमकेगा जरूर चलिए आगे तब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहां पर जवाब देना है भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन है दैट वाज अनिल गोस्वामी विजय शर्मा शशिकांत शर्मा या आर के माथुर क्या होना चाहिए गाइस सही जवाब आठ आठ लोगों की कमी भैया लोग हैं सौ का आंकड़ा टच करने में आठ लोगों की कमी है जल्दी से ठोको भाई ठोको जल्दी ठोको 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 क्या होना चाहिए तो जनता बोले सर सही जवाब होना चाहिए क्या दैट वाज द आर के माथुर जितने लोग माथुर साहब के ऊपर जा रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है

डैथ वॉजटिको मैड्रिट इज अ राइट आंसर एल टिको मैड्रिट यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा चलिए तो हम लोगों ने यह क्वेश्चन किया हुआ था ठीक है अब आपके सामने ये सौ क्वेश्चनों की क्लास थी आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे एस एस की तैयारी कर रहे हैं बहुत सारे सी की तैयारी कर रहे हैं सी का एग्जाम हो जाएगा तो आप लोग तैयारी करना मत छोड़िएगा और उसके लिए आप लोगों के लिए जी के लिए 360 सिक्सटी प्लेटफॉर्म आपके जो भी दोस्त मित्र भाई छोटे लोग हैं उनको ये रिफ़र करिए कि भैया 315 की ये लाइव क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है 8000 से ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे 25 से ज़्यादा टेस्ट आपको मिलने वाले हैं डेढ़ से ज़्यादा पी डी नोट्स मिलेंगे सब कुछ यहीं पर इंक्लूड कर दिया गया है और ऐसा करने वाले को 20 परसेंट का छूट अगर चाहिए जो भी इस बैच को ज्वाइन करेगा और हमारे साथ टेलीग्राम अभी लोग जाएंगे नहीं पीडीएफ डी कहाँ मिलेगी बताने वाले हैं पीडीएफ डी कहाँ मिलेगी आप लोग रुकिएगा 20% परसेंट की छूट मिलेगी प्लस हमारे साथ जुड़ने का मौका हमारे साथ जुड़ने का मौका जिसमें आप हमारे साथ जो है वो चीज़ों को शेयर कर सकते हो मेरा नाम है पी ए एन के सी पंकज चौबे तो आप यहाँ पर पंकज सी का इस्तेमाल करिए चाहे वो जीडी का बैच हो चाहे एमटीएस का बैच हो या एग्जाम होने के बाद अगर आपके पास क्या आता है एग्जाम होने के बाद एसएससी सीएचएसएल का फाउंडेशन बैच हो ठीक है यहां पर आप सभी लोग जब जुड़ेंगे तो आप लोगों को ये कोड का इस्तेमाल करना है जिससे कि आपका फ्यूचर जो है वो बेहतर हो जाएगा और आप लोगों को तैयारी करने में बड़ा मजा आएगा तो गैस ये वाला जो है आप सभी को ये कोड का इस्तेमाल अपने दोस्तों को भी करवाना है खुद भी करना है पी ए एन के जे सी दैट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू ठीक है अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं तो भैया रेलवे वालों के लिए सर कुछ नहीं लाए हो क्या रेलवे वालों के लिए भी लाए हैं आरआरबी ग्रुप डी पहला आज इसमें क्लास था साइंस जिनका कमजोर है हम इसमें साइंस पढ़ा रहे हैं बाकी मैथ रीजनिंग और जी भी पढ़ाया जा रहा है साइंस जिनका कमजोर है वो ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं गाइस बैच की कीमत कितनी है अगर हम आपको बताएंगे तो पाँच सौ रुपये है और जैसे ही आप लगाते हो पी ए एन के ए जे सी भैया इस बैच की कीमत और कम हो जाती है ढाई सौ रुपये भी कई लोगों ने ये ढाई सौ रुपये तक पहुँच जा रहा है इस कोड का इस्तेमाल करने पर पंकज सी बिना गैप के लिखना आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस ठीक है अब यहां पर अगर हम बताएंगे तो आप लोग हमारे को पीडीएफ कहा मिलेगी तो मैं यहाँ पर कमेंट करके आप लोगों को जो है वो लिंक दे देता हूं जहां पर मैं अभी आपको थोड़ी देर में सात बजे तक क्या देने वाला हूँ सात बजे तक आपको देने वाला हूँ पी ठीक है तो यहां पर अभी आप लोगों को कमेंट में देखना है मैं कमेंट में आपको देने वाला हूँ पीडीएफ ठीक है कमेंट में देने वाला हूँ टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन कर लो बेटा उसको जल्दी से फटाफट से और उसके बाद से बन जाओ स्ट्रांग और स्मार्ट स्ट्रांग भी बन जाओ और स्मार्ट भी बन जाओ कमेंट करना बंद करो ठीक है टेलीग्राम का है और यहीं पर पूरे क्वेश्चनों का पीडीएफ दे देंगे तो भैया यहां पर डेढ़ घंटे में हमने आपको जो क्वेश्चन कराए उसका रिवीजन जरूर करिएगा यहां से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में मिलने वाले तो अलविदा गाइस कल मिलेंगे हम लोग साढ़े दस बजे ठीक है साइंस के धमाकेदार पचास क्वेश्चनों के साथ यहीं पर यूट्यूब तो पचास क्वेश्चन की कल क्लास होगी तब तक के लिए हैव गुड डे बेस्ट तो ऑफ लक बाय बाय गाइस एंड टेक केयर पढ़ाई करते रहिए क्योंकि ये जो हमारा आ, महीना आने वाला है ये एग्जाम का महीना है और एग्जाम कैसे कंप्लीट कंप्लीट कर सकते हैं जब हम वहां पर जाकर के परफॉर्म करेंगे बाय गाइज टेक केयर मिलते अपनी कल की क्लास में